जी नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता, श्री राम क्लासेस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, आपने कंसंट्रेट करना है एक एक चीज़ों को। यदि आपने हरियाणा वाले कोई भी फॉर्म भर रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी फॉर्म भर रखे हैं, या आप पुलिस का एग्जाम नज़दीक है उसके फॉर्म भर रखे हैं, तो याद रखिएगा हिस्ट्री हरियाणा जी के इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बाहर से जाने दूंगा कि जो पेपर में आए और आपको आती ना हो। मैक्सिमम चीजें जो है वो आपकी मैच करती होगी, इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को समझना है। ठीक है, रेगुलर आना है, ऐसा नहीं डेमो लगाया एंड देन कहीं और ट्राई करना है, नहीं करने का ट्राई। हिसार की नंबर वन फैकल्टीज, वो फैकल्टीज जो यार बड़ी मेहनत से ही किसी को मिल सकती है, कभी इधर गया कभी उधर गया, 10 जगह जाओगे ना तभी नहीं मिलेगी आपको। बस रेगुलरिटी, आपने विद इन 4 और 5 डेज आपने रेगुलर आप रहिएगा, आपको मजा आएगा और आपको आनंद आएगा कि यार टीचर हमारे को बहुत अच्छे मिल गए। ठीक है जी, विश्वास बना के रखिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा, और वादा करते हैं हम आपको कि एग्जाम आपका क्वालिफाई करवा कर ही रहेंगे। ठीक है डियर जी, तो हम स्टार्ट करते हैं भारत के इतिहास के बारे में। भारत का जो इतिहास है ना, इसको शुरुआत करने के लिए इतिहास शब्द के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास होता है बेटा इति प्लस आस, आस मैंने होता है था, इति मैंने होता है ऐसा, ऐसा ही था, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बेटा वो वैसा ही था, और आपने वो विश्वास रखना है हमारे पर कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो वैसा ही है, इतिहास जो मैं आपको बताऊंगा ना वो ऐसा ही था। क्लियर है पॉइंट? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो है ना एक ग्रीक वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया, हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, और इस हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है मालूम है? रिसर्चिज, खोज, जो बड़ी खोज करके चीजों को प्राप्त किया गया है उसको हिस्टोरिया कहते हैं। और ग्रीक के अंदर एक महान विद्वान हुए बेटा जी, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर हेरोडोटस। और इन डॉक्टर हेरोडोटस ने क्या किया, 426 बीसी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, और जैसे जैसे चीजें मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे राइट डाउन भी करें, और चीजों को मैं रिपीट करूंगा तो याद भी कराऊंगा, मेरी हैबिट ये है याद कराना, एक एक चीजों को याद कराऊंगा, मन ही मन आपने इसको रिपीट भी करना है जो मैं बोलूंगा। ठीक है, तो डॉक्टर हेरोडोट जो था, इसने 426 बीसी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका, और इस हिस्टोरिका पुस्तक में उसने ग्रीक के इतिहास को एक्सप्लेन किया, और ग्रीक के इतिहास को एक स्टैंडर्ड तरीके से, एक सिस्टमेटिकली तरीके से एक्सप्लेन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था बेटा? डॉक्टर हेरोडोट था। और हेरोडोट्स को ही क्या कहा गया है बेटा? इतिहास का पिता कहा गया, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? डॉक्टर हेरोडोट्स को कहा गया। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? अच्छा जी, अब सामने ध्यान दीजिएगा। अब इस हिस्टोरिका पुस्तक के बाद के अंदर, जब लिखने के बाद कई सारे हिस्टोरियन आए जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारी किताबें पढ़ी। हमारा संबंध आता है एक पुस्तक से, सन 1817 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी जेम्स मिल ने। जेम्स मिल नाम का एक हिस्टोरियन था, इसने एक पुस्तक लिखी किसके बारे में? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एग्जाम में आया हुआ है, एक दो बार क्वेश्चन पुट किया गया है, सीजीएल वाले एग्जाम में आया था कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। कब लिखी? 1817 के अंदर। डॉक्टर हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। कब लिखी? 426 बीसी में। और ये जो जेम्स मिल थे ना, इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या एक्सप्लेन किया? इसने ये बताया मेरा जो भारत का जो इतिहास है इसको इसने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांट दिया? 3। कौन कौन सा युग? एक मुस्लिम युग, सॉरी पहले हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग, और तीसरा उसने बांट दिया ब्रिटिश युग। इन 3 भागों में उसने बांटा। हिंदू युग में क्या बताया जेम्स मिल ने? जेम्स मिल भाई साहब एक अंग्रेज था, और वो अंग्रेज क्या करेगा? अगर मान लो मैं अंग्रेज हूं, मैं अपने देश के बारे में अच्छा अच्छा ही लिखूंगा, अपने देश के बारे में अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। वो जेम्स मिल ने भी यही कराया। उस जेम्स मिल ने क्या कहा कि हिंदुओं का युग था तो ये इंडिया जो था ना वो बड़ा ही स्वर्ण युग था, बड़ा ही इंजॉयमेंट था, सोने की चिड़िया था मेरा हिंदुस्तान, और वाकई में था।
लेकिन कौन आए? बाहर से मुसलमान आए। ये कह रहे जेम्स मिल कह रहे, बाहर से 712 ईसवी में मुसलमान आए और उन मुसलमानों ने इस सोने की चिड़िया के पंख कुतर डाले, सांस सांस छोड़ी उन्होंने। ये किसने कहा? जेम्स मिल ने कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा और हिंदुओं का जो युग था उसका सत्यानाश कर दिया इन मुसलमानों ने। मुसलमान लूट रहे थे, खसोट रहे थे, फिर कौन आए? अंग्रेज। जब ये लूट रहे थे ना हमारे को, तो कौन आए? हम आए। हम मतलब अंग्रेज, मैं अंग्रेज हूं मान लो, मैं आया और मैंने क्या करे भाई, मैंने इन लुटे हुए हिंदुस्तानियों को क्या किया? इन लुटे हुए हिंदुस्तानियों को बचाया मुसलमानों के कहर से, और मैंने क्या बनाया? अपने आप को हीरो बना दिया। हीरो तो बनाऊंगा ना, विलन थोड़ी बनाऊंगा। हम अंग्रेजों को क्या मानते हैं? विलन। ये इसने क्या बनाया? हीरो। इसने मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश करी और इसने कहा कि हम जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने ही हमने क्या किया है, इनको मुसलमानों को, मुसलमानों से बचाया। इसने अपने इतिहास को इस तरीके से प्रसारित किया। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? लेकिन बाद के अंदर क्या होता है, हमने इसका इतिहास पढ़ लिया भाई, जो ये कह रहा था पढ़ लिया, दिक्कत क्या? कुछ अच्छी बातें थी, कुछ गलत बातें थी। बाद में एक स्थापना होती है बेटे किसकी? एएसआई की। अब एएसआई क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। इस एएसआई की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1871 में बेटा इनकी मीटिंग हुई थी, लेकिन स्थापना हुई थी 61 में। लेकिन मैक्सिमम किताबों में 1871 लिखा हुआ है कि एएसआई की स्थापना 1871 में हुई थी। किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम बेटा, ये बेस है जीके का, इस बेस को आप अच्छा कर लीजिए। इतिहास में मजा ना आए तो मेरे को बताइएगा। दोबारा देखिए चीजों को, मैंने क्या बताया, हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास दो अक्षर से बना है, इति प्लस में आस। इति प्लस में आस का अर्थ है ऐसा ही था जैसा मैं पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में इतिहास को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? रिसर्चेस। और आपको याद रखना है, एक ग्रीक वैज्ञानिक था, एक ग्रीक विद्वान था जिसका नाम था डॉक्टर हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को क्या कहा गया है? इतिहास का पिता कहा गया। और इस हेरोडोट्स ने क्या किया था? 426 बीसी के अंदर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। और इस पुस्तक के अंदर इसने क्या किया? ग्रीक के इतिहास को बड़े ही सिस्टमेटिकली तरीके से लिखा। इसने सिखाया इतिहास कैसे लिखते हैं और हम सिखाएंगे इतिहास बनाते कैसे। समझ में आ रही है बात? अब फिर हुआ क्या? हुआ ये कि हिस्टोरिका पुस्तक को लोगों ने पढ़ा और बाद में समय बीता और सन 1817 में कौन आ गया? जेम्स मिल। और जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर हमारे को अंग्रेजों के इतिहास के बारे में पता लगा। और अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा, इसमें क्या लिखा उसने? उसने कहा भारत का इतिहास तीन भागों में। अंग्रेजों का इतिहास नहीं था, अंग्रेजों ने मेरे भारत के इतिहास को कैसे लिखा? तीन भागों में बांटा। एक बांटा हिंदुओं का युग। हिंदुओं का युग को क्या कहा उसने? बड़ा ही स्वर्णिम काल। मुसलमानों के युग को कहा कि इन्होंने आतंक बचाया और फिर हम हीरो बन के बचाने वाले आए। कौन? ब्रिटिश आए। अपने आप को उन्होंने क्या बताया? हीरो बताया। हमने भी सुन लिया यार, क्या करते हम लोग, गुलाम थे, सुन लिया। फिर क्या हुआ? एएसआई की स्थापना हुई। एएसआई आया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एएसआई की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1871 में। कई किताबों में 71 ही है तो मैंने 71 ही बताया, लेकिन रियलिटी यह है 61 में हुई थी। 1871 में पहली मीटिंग हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1871 में काम करना शुरू कर दिया था। और जो एएसआई था, इसकी स्थापना किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। अब एएसआई स्थापित हो गया ना, इस एएसआई ने भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा। उन्हें जो हिंदू युग कहा था ना, इसने उसको क्या कह दिया? प्राचीन भारत कह दिया, एंशियंट भारत, एंशियंट इंडिया। और जो मुस्लिम युग था ना, इसको उन्होंने क्या कह दिया? मध्य भारत कह दिया, मेडिवल इंडिया कह दिया। इसको कह दिया एंशियंट बेटा, थोड़ा इंग्लिश में भी सीख लीजिएगा। फिर कह दिया मेडिवल, ज्यादा मुश्किल नहीं होती इंग्लिश भी, समझ में आई बात? ठीक है। और तीसरा है ब्रिटिश। ब्रिटिश को इन्होंने कह दिया आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। इन तीन भागों के अंदर हमने क्या कर दिया? भारत के इतिहास को बांट दिया।
किसने बांटा? ये एएसआई ने, क्योंकि एएसआई जो थी वो क्या नहीं कर सकती थी, एएसआई हिंदू मुसलमान शब्द यूज नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत बताया। बेटा याद रखिएगा, कोई भी टीचर मान लो या ऑनलाइन जितनी भी वीडियो देखोगे, प्राचीन भारत का इतिहास आपको कम मिलेगा। सबने क्या कर रखा है, मध्य भारत से शुरू कर रखा है या आधुनिक भारत से स्टार्ट किया। मैं आपको प्राचीन भारत से समझाऊंगा और आपका बेस ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप कहेंगे कि वाह, इतिहास का बेस इतना अच्छा है और एक एक वंश आपको याद होंगे, एक एक वंश, बस आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं, इतिहास जो है बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस में आस, मतलब वो चीजें ऐसी ही थी। और इतिहास का पिता किसको कहा गया? डॉक्टर हेरोडोट्स को। मन ही मन रिपीट करते रहिए बेटा, ठीक है, श्री राम का नाम लीजिए और मन ही मन रिपीट करिए, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको मन ही मन रिपीट करिए, आपने बोर नहीं होना। आपने हिस्ट्री से हिस्टोरी का पुस्तक लिखी हेरोडोट्स ने, 1817 में जेम्स मिल आया, जेम्स मिल ने पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तीन भागों में बांटा, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। बाद में एएसआई की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 71 में हुई थी, किसने करी थी? बोलो बोलो, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, शाबाश, अलेक्जेंडर कनिंगम ने करी थी। और एएसआई बाद में जब मेरा भारत आजाद हुआ तो इसे एएसआई ने क्या किया, एएसआई क्या करता है काम मालूम है ना, एएसआई सभी चिन्हों को ढूंढता है, ऐतिहासिक तत्वों को ढूंढता है और फिर हिस्ट्री को क्रिएट करता है। और 1871 के बाद कहानी को मैंने आपको बताया कि कैसे जब मेरा देश आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद भी इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। हम लोग शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट इंडिया। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको, प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया। बेटा प्राचीन भारत का इतिहास थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, तीन भागों में बांट दिया, तीन स्मॉल भागों में बांट दिए, इनको समझना और इनको समझते समझते चीजें समझ में आएंगी। भाई प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा है तो तीन भागों में बांट दिया, कौन कौन सा था? एक था प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक को बोलते हैं बेटा प्री हिस्ट्रिक, दूसरा आता है बेटा अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं प्रोहिस्ट्रिक या प्रोटोहिस्ट्रिक, और तीसरा आता है बेटा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं मेरे बेटे, हिस्ट्रिक। अब क्या है ये, एक मिनट में बता देता हूं। देखो प्रागैतिहासिक क्या है, ये वो पीरियड था बेटा जो लिखा ही नहीं गया, लिखा नहीं गया लेकिन चिन्ह मिले, तत्व मिले, जैसे पाषाण काल मानव के बारे में तथ्य मिले, तत्व मिले हमने, तो हमने ज्ञात किया, कार्बन डेटिंग प्रणाली का प्रयोग किया जिससे इंसान की आयु का पता लगा कि इंसान कब आया था, कैसे आया था, वो सारा पीरियड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे को सिंबल मिले और हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, हमने उसको लिख डाला। ऐसे इतिहास को बोलेंगे प्रागैतिहासिक, प्रीहिस्ट्री। अर्ध ऐतिहासिक जो लिखा हुआ तो है बट बेटा आज तक हम उसको समझ नहीं पाए, वो कौन सा इतिहास है भाई? अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक का मतलब आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है? 600 लिपि वर्ड हैं सिंधु घाटी के और वैदिक काल के अंदर, सिंधु घाटी के 600 लिपियां हैं, वैदिक काल के तो हमारे को चिन्ह मिल गए और लिखा हुआ भी मिल गया, सिंधु घाटी के 600 लिपियों में से उन आखर को हम समझ ही नहीं पाए, आज तक नहीं समझ पाए, और नहीं समझ पाए इसलिए वो अर्ध ऐतिहासिक है। और जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन हमारे इतिहास का ये पन्ना भी खुल जाएगा। और तीसरा आया ऐतिहासिक, ऐतिहासिक वो 4700 साल का इतिहास जो लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अब प्रागैतिहासिक से शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक मतलब प्रीहिस्ट्रिक, प्रीहिस्ट्रिक वो पीरियड है जो बेटा लिखा हुआ नहीं है लेकिन उनके क्या मिले, हमारे को चिन्ह मिले। और इस प्रागैतिहासिक को क्या कहा गया है? अंधकार युग भी कहते हैं, डार्क ईरा। अंधकार युग कौन से काल को कहा गया है? प्री हिस्ट्री को कहा गया, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है ना साहब, इसलिए अंधेरा ही अंधेरा, तुक्के मार लिया, ये मिल गया, ये मिल गया, बस मान लिया हमने। और इस अंधकार युग को समझने के लिए आपको याद रखना है किसके बारे में, इस अंधकार युग को कौन सा युग भी कहते हैं? पाषाण युग भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय सब कुछ क्या था? पत्थरों का था, पत्थर ही पत्थर थे। और पाषाण काल को इंग्लिश में बोलेंगे स्टोन एज। क्या बोलेंगे? स्टोन एज। और इस पाषाण काल के सबसे पहले चिन्ह 1862 में किसने प्राप्त किए थे बेटा? रॉबर्ट ब्रूसहुट ने।
बेटा ये नाम इंग्लिश में ही लिखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि फिर याद हो जाती है, स्पेलिंग से भी याद हो जाता है। रॉबर्ट ब्रुशहुट ने 1862 के अंदर सबसे पहले चिन्ह प्राप्त किए, कहां से? मद्रास से। मद्रास के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पल्लावरम। मद्रास के पल्लावरम नामक जगह से ये चिन्ह प्राप्त किए थे। मेरी बात समझ में आ रही है? कहां से प्राप्त किए थे? मद्रास के पल्लावरम। ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं तो शाम में बरवाला में, हिसार के कुछ हिस्सों में, हासी में, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने एक एक चीजों को समझना है, एक एक चीजों को याद करना है, एक एक चीज को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अपने माइंड के अंदर कि भाई क्या था वो पाषाण काल आया, पाषाण काल के चिन्ह सबसे पहले प्राप्त किए किसने? रॉबर्ट ब्रुशहुट ने। कब प्राप्त किए? 1862 में। कहां से प्राप्त किए? मद्रास के पल्लावरम से। क्लियर है पॉइंट? अच्छा जी, अब इसने चिन्ह प्राप्त करके क्या बताया? पाषाण काल को एक्सप्लेन कर दिया भाई, चिन्ह मिले तो एक्सप्लेनेशन हुआ। और इसको चार भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इंग्लिश में आपको पता है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक इसको बोलते हैं, मेजोलिथिक, मेजो LITHIC मेजोलिथिक। नव पाषाण काल को बोलेंगे नियोलिथिक। इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से समझना बेटा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ही याद रखनी है चीजों को, हिंदी में मत करने की कोशिश करना, हिंदी बड़ी मुश्किल है तुम्हारे लिए तो, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल को क्या बोला गया है? इसको पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, और इसको बोला गया आपका कांस्य युग, मतलब ब्रोंज एरा, ब्रोंज एरा, इरा, ब्रोंज इरा। और इसका दूसरा नाम है बेटा चालकोलिथिक, इंग्लिश में बोलेंगे चालकोलिथिक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल के अंदर मानव कैसा था बेटा? मानव असभ्य था, नंगा घूमता था, कुत्ते बिल्ली की तरह रहता था, ठीक है जी। फिर आया मध्य पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल में सन बता दूं क्या, कब था ये शुरू? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल था 4,50,000 BC से, बीसी होता है ईसा पूर्व, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे आपको, ठीक है, धर्मों में बताऊंगा बीसी एडी ईसवी ईसा पूर्व क्या होता है, बस आपने याद रखना है ईसा पूर्व में सन उल्टे चलते हैं, ये क्यों चलते हैं वो आगे बताऊंगा। 4,500 से लेकर 15,000 BC। अब आपको ये लग रहा होगा यार ये 4,50,000 कैसे आया, क्योंकि आपको ये याद रखना है मानव का सबसे पहले जन्म कब हुआ था, 4,50,000 BC में। मानव की हमारी जो स्पीसीज है वो कौन सी है? होमोसेपियन। कौन सी है? होमोसेपियन। दिखाई दे रहा है आपको? होमोसेपियन नहीं दिखाई दे रहा, सेपियन, सेपियन यहां लिख देता हूं, होमोसेपियन। मानव की जो स्पीसीज है, मानव की जो प्रजाति है वो कौन सी है? होमोसेपियन। और इस होमोसेपियन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 4,50,000 BC में। अब बीसी का मतलब है ये चल रहा है सन 2020, आज 2 जनवरी है तो 2020, इस 2020 से भी कितने साल पहले? 4,50,000 साल पहले इंसान मिल गया था। और मानव सबसे पहले कहां पर मिला था बेटा? अफ्रीका में। मानव का जन्म कहां हुआ था? अफ्रीका में। और किस युग में हुआ था? पाषाण युग के अंदर मानव का जन्म हुआ था। और इस पाषाण युग को चार भागों में बांट रहे हैं। पूर्व पाषाण में मानव कैसा था? असभ्य था, नग्न रहता था, घास फूस खाता था। मध्य पाषाण काल शुरू होता है बेटा 15,000 BC से 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल के अंदर मानव सभ्य हुआ। और इस युग के अंदर मानव ने किसकी खोज करी? आग की। और भोजन को क्या करने लगा? वो पकाकर खाने लगा। यह सबसे बड़ी खोज थी मानव की, आग की। मध्य पाषाण काल खत्म होने ही वाला था तो उसने आग की खोज कर दी। आग भी कैसे थे, मतलब इंसान ने क्या किया, दो ईंटे मारी और चिंगारी निकल गई। अब चिंगारी निकल के एक दूसरे के ईंट मारते, चिंगारी निकालते और आनंद लेते, बस इतना ही काम करते थे उस समय। कि आप सोचो यार ये लोग इसको यूज करना शुरू कर दिया था, नहीं। फिर धीरे धीरे समय बीता, हजारों साल और बीत गए, फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर भोजन पकाना शुरू कर दिया। अब इतना ही काम उन्होंने इससे किया था। फिर आया जी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर 10,000 BC से शुरू हुआ ये और 5,000 BC तक रहा। नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया, इस आग आ जाने के कारण मानव ने जानवर पर भी कंट्रोल कर लिया। बेटा जी पहले आग नहीं थी, जब आग नहीं थी तो मानव क्या करता था, सोचो क्या करता, कुत्ता बिल्ली शेर आ गया भालू आ गया चुपचाप दुबक के बैठ जाता। और अब क्या हुआ, अब हुआ ये क्या आ गई,
आग आ गई, आग आ गई तो जैसे भालू नजर में आया आग लगा दी, जिससे भालू डरकर भाग गया, इससे जानवर डरकर भाग गया। मानव ने क्या किया, जानवर पर कंट्रोल किया। सबसे पहले किसको पाला, कुत्ते को पाला मानव ने। सबसे पहले किसको पाला था, कुत्ते को पाला था। और आपको बेटा ये याद रखनी है, इंसान जो है कुत्ते के साथ में दबा हुआ मिला, कश्मीर के बुरजुम से, अफगानिस्तान से भी मिला, चुंदरों से भी मिला, ऐसी कई जगह थी जहां आगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो जो कुत्ता था वो मानव का पहला दोस्त था, याद रखिएगा, ठीक है। इस युग के अंदर मानव ने कृषि करना शुरू की, पहिए की खोज इसी काल में हुई थी, पहिया आया, पहिए आने से क्या हुआ, मानव ने वाहन बनाया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और कृषि करने के लिए जमीन ढूंढी, और वहां पर जमीन ढूंढने के बाद में वहां कृषि करना शुरू कर दिया। जब उसको उपजाऊ भूमि मिली तो कृषि में मानव की जो पहली फसल थी ना बेटा, वो पहली फसल कौन सी थी, गेहूं। मानव की पहली फसल पूछे तो गेहूं बताना है, इंग्लिश में बोलते हैं वीट। और अगर पूछे पहला भोजन, बेटा गेहूं तो बनाई थी, गेहूं तो उगाई थी, लेकिन गेहूं खाया नहीं उन्हें, उन्हें गेहूं किसको दे दिया, जानवरों को दे दिया, जानवरों को डाल दिया, उसको पसंद ही नहीं आया। और उन्हें सबसे पहले अपना भोजन किसको बनाया, जौ को। जौ को इंग्लिश में बोलते हैं बार्ले। मानव की पहली फसल पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामने ध्यान देना भाई हर कोई, मानव की पहली फसल कौन सी है, गेहूं। और मानव का जो पहला भोजन है वो कौन सा है जी, जौ है। भोजन जो था, उसने जो को खाया, उसने गेहूं को नहीं खाया था स्टार्टिंग में, बाद में खाने लगा, लेकिन फसल तो कौन सी उगाई थी, गेहूं उगाई थी। और फिर युग आया कौन सा बेटा, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के अंदर मानव ने किसकी खोज करी, धातु की। मानव की बेटा पहली धातु कौन सी थी, तांबा। पहली धातु तांबा थी और पहला हथियार कौन सा था, कुल्हाड़ी। ये लकड़ी की कुल्हाड़ी थी बेटा, ये लकड़ी की कुल्हाड़ी थी, आगे पत्थर लगा हुआ था। कुल्हाड़ी कहां कहां से मिली है वो भी बताऊंगा। तो ये जो कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी के बारे में आपको याद रखना, मानव का पहला हथियार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। क्लियर हो गया पॉइंट, दोबारा देखिएगा बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास के बारे में। देखो दो मिनट के रिविजन लूंगा, जो बीच में आया वो ध्यान से समझ लेना बेटा, बिल्कुल ध्यान देना। इतिहास का पिता किसे कहा गया भाई, रिवाइज करते रहो, हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स ने 426 बीसी में पुस्तक कौन सी लिखी, हिस्टोरिका। उसके बाद में दूसरा पॉइंट बताया, 1817 के अंदर कौन आया, जेम्स मिल। उसने पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने तीन भागों में बांट दिया उस हिस्ट्री को, कौन कौन सा, एक बनता हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा ब्रिटिश युग। उसने अंग्रेजों को हीरो बताया, क्योंकि अंग्रेज था तो अंग्रेजों को हीरो बताता। तो बाद में जब ASI की स्थापना हुई, ASI क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो तथ्यों को देखता है, इतिहास के चिन्हों की खोज करता है, वो कौन करता है, ASI। ASI की स्थापना हुई थी कब, 1871 में, किसने करी थी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने करी थी। इतनी बात आपको याद हो गई होगी, अच्छा जी। अब इस ASI, जब मेरा भारत आजाद हुआ तो इस ASI ने इतिहास को कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में बांटा, जो उसने हिंदू युग बताया, इसने प्राचीन इतिहास बता दिया, वो दूसरा उसने मुस्लिम युग बताया, इसने मध्य भारत बता दिया, और तीसरा उसने जो ब्रिटिश युग बताया था, इसने आधुनिक भारत बता दिया, आधुनिक युग बता दिया। हमने जो शुरुआत करी है बेटा, वो प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, एंशियंट इंडिया, इसको क्योंकि बड़ा है, इसको समझने के लिए तीन भागों में बांट दिया। इतिहास का एक भाग है प्रागैतिहासिक, जो लिखा हुआ नहीं है, इसको अंधकार युग कहा गया। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक, जो लिखा हुआ तो है लेकिन अभी हम समझ नहीं पाए उस लिपि को। और तीसरा है ऐतिहासिक, वो 4700 साल का इतिहास, जो लिखा पढ़ा गया है, जो समझा गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक ये वो इतिहास का पीरियड है जो लिखा हुआ नहीं है, अंधकार युग था, पत्थरों का युग था, पत्थर ही पत्थर में रहता था, पत्थरों की गुफाएं थी, पत्थर के किनारे ही वो रहा करता था, और नदियों के किनारे ही अपना जीवन बसरता था, क्योंकि दूर जाने के लिए भाई पानी लाना पड़ेगा, जो जीवन की जो चीजें, छोटी छोटी चीजें थी वो उसको चाहिए होती थी, तो इसलिए वो पत्थरों से ही अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था, इसलिए उसको पाषाण काल या पत्थरों का युग कहा गया। इस पाषाण काल के चिन्ह सबसे पहले भाई साहब किसने प्राप्त किए, मन ही मन में बिना देखे बता सकते हो क्या, सोचो किसने प्राप्त किए, 1862 में किसने, रॉबर्ट ब्रूशर्ट ने, शाबाश, किसने प्राप्त किए, रॉबर्ट ब्रूशर्ट ने, कहां से, हाँ मद्रास के पल्लावरम से उसने क्या किए थे, ये प्राप्त किए थे, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, अब इस पाषाण काल को समझने के लिए चार भागों में बांट दिया भाई। पूर्व पाषाण में मानव कैसा था, असभ्य। बेटा मानव सबसे पहले कहां आया था, अफ्रीका में। कब आया, 4.5 लाख BC में, मतलब 2020 से भी 4.5 लाख साल पहले मानव आ गया था, और मानव का जन्म सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था जी। और इस
पाषाण युग को हमने चार भागों में बांटा। पूर्व पाषाण काल, इसमें मानव क्या था, असभ्य था, नंगा घूमता था। मध्य में क्या हुआ, सभ्य हुआ, किसकी खोज होगी, आग की। नव पाषाण काल के अंदर मानव ने किस पर कंट्रोल किया, जानवर पर कंट्रोल किया। सबसे पहले किसको पाला, कुत्ते को, शाबाश, पहिए की खोज हुई और मानव क्या करने लगा, कृषि। मानव की जो पहली फसल थी बेटा वो कौन सी थी, गेहूं। मानव का जो पहला भोजन था वो कौन सा था, जौ था, शाबाश। अच्छा, ताम्र पाषाण काल के अंदर मानव ने किसकी खोज करी, धातु की। मानव की जो पहली धातु थी वो कौन सी थी, तांबा। और मानव का जो पहला हथियार था बेटा वो कौन सा था, कुल्हाड़ी था। और कुल्हाड़ी किसकी थी बेटा, लकड़ी की थी। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में, ये तो हो गया हमारा कौन सा, प्रागैतिहासिक पीरियड, जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन तथ्यों के आधार पर हमने इसको क्या कर लिया, समझ लिया। अब आता है बेटा कौन सा, अर्ध ऐतिहासिक पीरियड, वो पीरियड जो लिखा तो हुआ है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए हैं। इस पीरियड को समझने के लिए आपने बिल्कुल ध्यान देना है, एक एक चीजों को कंसंट्रेशन करनी है। हिसार आने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आप रह रहे हैं, जिस गांव के अंदर आप हैं, जिस शहर में हैं, वहीं के वहीं आप पढ़ाई करिए और एक एक चीज अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, और जो मेरे से पहले भी पढ़ चुके हैं याद रखिएगा, केवल उतनी चीजें नहीं पढ़ाने वाला अब आगे डिटेल के अंदर यूपीएससी लेवल तक मैं खींचने वाला हूं चीजों को, लेकिन पेपर में जितनी चीजें आने वाली है वो सारी कवर अप होंगी। बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे पेपर चेकआउट करे हैं, क्या क्या एचएसएससी पूछ रही है, क्या क्या एसएससी पूछ रही है, बड़ी रिसर्च कर रखी है, वो मटेरियल भी आपको मिलेगा और उन रिसर्चों को हमने चेकआउट करके भाई उसी हिसाब से स्टडी को करा रहे। तो इसलिए एक एक चीज आपने ध्यान देनी है इस पे, ठीक है। अब आता है बेटा अर्ध ऐतिहासिक पीरियड, वो ऐतिहासिक पीरियड जो लिखा नहीं गया, सॉरी लिखा तो गया है लेकिन इसको समझ में नहीं आया हमारे को ये अभी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्रिक। फास्ट हो तो बताइएगा, अपने जो टीचर है, मैनेजमेंट है, उनको बताइएगा कि फास्ट हो तो हम स्लो भी कर सकते हैं और स्लो हो तो बताइएगा फास्ट भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। अब जो अर्ध ऐतिहासिक पीरियड है ना बेटा जी, इस ऐतिहासिक पीरियड को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मेरे भारत को। मेरा भारत का नाम एक महान राजा थे भरत मुनि, इनके नाम पर पड़ा था। भरत मुनि के नाम पर मेरे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। अब थोड़ी सी कहानी बता देता हूं, जो भरत मुनि थे ना बेटा वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे और शकुंतला और दुष्यंत के बीच में गंधर्व विवाह हुआ था। गंधर्व विवाह होता है, लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हुई, राजा जो दुष्यंत थे वो जंगल में गए थे, वहां पर उनको किसी महिला से, वो शकुंतला से मोहित हो गए और मोहित हुए तो उन्होंने क्या कह दिया, शकुंतला से वो मोहित हुए और मोहित हुए तो उनको प्रेम प्रस्ताव दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, राजा था और उन्होंने मान लिया, दोनों में प्रेम हुआ और प्रेम हुआ तो पुत्र पैदा हो गया। अब पुत्र पैदा हो गया तो जब राजा जो है शकुंतला से विदा हो रहे थे तो विदा होते समय उन्होंने ये कहा था, किसको, शकुंतला को कहा था कि ये मेरी अंगूठी तू संभाल के रखियो और जब तेरा कोई पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए तो मेरे पास में आ जाना, मैं राजपाठ दे दूंगा। अब मैं जा रहा हूं यहां से, विदा हो गया वो उससे। ऐसा हमारे कई तथ्य, कई पुराण अलग अलग हैं बेटा जी, अलग अलग कहानियां अलग अलग हैं। ये कुछ तथ्य मैंने जो एनसीईआरटी बताता है मैंने वो बताया आपको। तो उन्होंने कह दिया, ठीक है जी। जब उन्होंने ये बात कही ना, किसके बारे में कही, कि हाँ कि तुम जो है मेरे राज के अंदर आ जाना, और उसने क्या किया, उसने भाई पुत्र हो गया तो वो राजा के दरबार में चली गई। राजा के दरबार में चली गई तो राजा ने क्या किया पता, राजा ने कह दिया ये मेरा छोरा नहीं है, भाग यहां से। पूरी सभा में उसका क्या हुआ, अपमान हो गया, इंसल्ट हो गई और भरी सभा के अंदर प्रतिज्ञा करी, किसने प्रतिज्ञा करी, इसने, शकुंतला ने, राजा तूने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का बदला लूंगी, अपने पुत्र को इतना शक्तिशाली बनाऊंगी कि वो तेरे शासन को ही लाके रख देगा। और उसने अपने पुत्र को इतना शक्तिशाली बनाया, उसको बचपन में अगर आपने वो पुस्तकें देखी थी तो बागों के साथ में खेलता था वो शस्त्रों का ज्ञाता बना, शास्त्रों का ज्ञाता बना, महान विद्वान बना, मुनि बना। और उसने क्या किया, कई सारे राजाओं को पराजित कर दिया और बाद में इसके बाप को पता लगा, अरे यार ये तो मेरा ही छोरा था, जाके माफी मांगी और उसने अपने पिता को माफ कर दिया, लेकिन अपने पिता के साम्राज्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पिता तो बोले मेरा साम्राज्य तू स्वीकार करता, ना
जिस साम्राज्य में मेरी माँ का अपमान हुआ था मैं उस साम्राज्य के अंदर पाँव नहीं रखूंगा। ऐसा महान राजा थे भरत, और इस भरत के नाम के ऊपर मेरे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और भरत एक कबीला भी था, उस कबीले के राजाओं ने भी कई युद्ध जीते थे, इसलिए भी देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ऋग्वेद के अंदर भी क्या मिलता है? भारत का वर्णन मिलता है। और तो और गीता के अंदर भी क्या कहा गया है? जो श्री कृष्ण है उनको क्या कहा गया? भारत कहा गया है। इसलिए जो है वो क्या कहा गया? भारत कहा गया। ऐसे कई सारे तथ्य आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको मेन तथ्य बता दिया, भारत का नाम महान राजा भरत मुनि के नाम पर पड़ा। जब मेरे भारत में कौन आए? आर्य आए, तो उन्होंने मेरे भारत को क्या कहा? आर्यव्रत, आर्यों की भूमि। जब भारत में कौन आए? यूनानी आए। यूनानी जो थे सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते थे इंडस, और इंडस नदी के कारण मेरे देश का नाम क्या रख दिया? इंडिया। जब भारत में अरब आए, अरब मतलब मुसलमान, तो इन्होंने सिंधु नदी के कारण उस है को है बोलते थे, और है से मेरे देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में? वो पीरियड जो लिखा हुआ तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आया, वो था सभ्यता। सभ्यता क्या होती है बेटा? सिविलाइजेशन, लोगों के रहने सहने का ढंग क्या कहलाते हैं? सभ्यता कहलाते हैं। लोग कैसे रहते थे, क्या उनका जनजीवन है, क्या उनका खान पान है, वो क्या कहलाता है बेटा? सभ्यता। और आपको याद रखना है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता बताइए कौन सी है, जो एनसीईआरटी कहती है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम था बेटा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म 3500 BC में, 3500 ईसा पूर्व में कहां हुआ था बेटा? यूनान में हुआ था। और दुनिया की जो दूसरी प्राचीन सभ्यता है बेटा वो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता थी, इजिप्ट की बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता थी। इसका जन्म 500 साल बाद हुआ। मेरे भाइयों ईसा पूर्व में सन उल्टे चलते हैं, अभी मैंने इतना ही समझाया आपको, वह आपने ये बात मान लेनी है। तो 500 साल बाद मैंने बोला, तो 3500 के बाद तो वैसे तो क्या होता है? 4000, लेकिन अगर उल्टे चलते हैं तो क्या आएगा? शाबाश, 3000, 3000 बीसी में साइलेंस नहीं हो पा रहा। पॉज करिए एक बार, वीडियो पॉज किए, मैं साइलेंस कर देता हूँ। सॉरी भाई साहब, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट किया मैंने, ठीक है, माफी दीजिएगा। 3000 ईसा पूर्व के अंदर इस सभ्यता का जन्म बेटा कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका के अंदर। और मेरे भारत की बेटा दो सभ्यता थी, वो कौन कौन सी थी? सिंधु और वैदिक, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और कौन सी थी? दूसरी वैदिक सभ्यता थी। एक मिनट की रिवीजन करा दूं मैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा जी अब कौन सा? अर्ध ऐतिहासिक, ये वो इतिहास का पीरियड है जो बेटा जी क्या है? लिखा हुआ तो है लेकिन हम इसको क्या नहीं पाए? समझ नहीं पाए। और इस पीरियड को समझने के लिए मैंने भारत के बारे में बताया, मेरा देश जो भारत है उसका नाम किस महान राजा के नाम पर पड़ा? भरत मुनि के नाम पर। जब भारत में आर्य आए तो उन्होंने मेरे भारत को क्या कह दिया? आर्यव्रत। जब भारत में यूनानी आए तो उन्होंने इंडस नदी के कारण, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, इंडस नदी के कारण देश का नाम क्या रख दिया? इंडिया। जब भारत में अरबवासी आए, मुसलमान आए, तो उन्होंने सिंधु नदी के कारण मेरे देश का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। उसके बाद आती है बात किसकी बेटे? सभ्यता की। सभ्यता क्या होता है? रहने सहने का ढंग। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की। इस सभ्यता का जन्म 3500 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? यूनान में। और दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। इसका जन्म 500 साल बाद 3000 ईसा पूर्व में सभ्यता का जन्म कहां हुआ बेटा? अफ्रीका में। और मेरे भारत की दो सभ्यता कौन कौन सी है? सिंधु और वैदिक। कितने मिनट की होगी वीडियो? दो सभ्यता, सिंधु और वैदिक। अब 25 से 30 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठना बेटा जी। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर रहा हूं, और पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलेगा, दो नंबर आज पक्के करके उठेंगे आप, बस ध्यान दीजिएगा इसको। कौन सी सभ्यता शुरू कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिसने सरकारी नौकरी करनी है बेटा वो तो कंसंट्रेट होके बैठना जरूर, जिन्हें ना करनी हो तो बेटा जी आपने पता है फिर तो सारी दुनिया घूम रही है, आप भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी करनी है तो कंसंट्रेशन जरूरी चाहिए। और आप थोड़ी सी दूर है हमारे से, लेकिन मैं तो आपके नजदीक हूं, तो इसलिए आपने इन चीजों को समझना है। ये एक बार चला गया तो फिर चार मौका नहीं मिलेगा अपने को। अब इस सभ्यता को, इंडस वैली सभ्यता को समझने के लिए थोड़ा मैपिंग हम देखते हैं कि यह सभ्यता कहां थी। एक मिनट का मैप है बेटा ये, ठीक है, एक मिनट में ऐसे ही बन जाए बहुत है, ठीक है। आपको पता है यहां मानसरोवर की पहाड़ियां थी, और इन मानसरोवर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बेटा, सिंधु नदी, जो जम्मू कश्मीर से होती है, पाकिस्तान से होती है, अरब सागर में जा गिरती है। ये सिंधु नदी जो है ना, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी है मेरे बेटा। अब इस नदी के किनारे रहने वाले लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या इनका जनजीवन था बेटा जी इस एरिया में, इस एरिया में रहने वाले लोगों का जनजीवन कैसा था, खान पान कैसा था। हम इस एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़े बेटा, आपके फादर भी बताया करते होंगे आपको, यार कुछ साल पहले यार ऐसा होता था वैसा होता था, कितना सुन के मजा आता था। अब ये देखो, ये सभ्यता जो थी ना, ये कब थी, 2500 बीसी में शुरू हुई और 1750 बीसी में खत्म हुई। कई किताबों में ये 2500 की जगह 2350 भी लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, ये लगभग आंकड़ा यही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2500 से लेकर 1750 बीसी तक की ये सभ्यता थी, वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। 2500 बीसी का मतलब क्या है, अब 2020 चल रहा है, 2020 से भी 2500 साल पहले, 2020 और 2500 कितने हो गए, 4520, मतलब 4500 साल पहले इन लोगों का क्या खाना पीना था, किसको पूजते थे, बर्गर खाते थे, चाउमीन खाते थे, मोबाइल था कि नहीं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए या नहीं। वो तथ्य मिले हैं, वो चिन्ह मिले हैं, तो वो चिन्ह इसीलिए मिले हैं, और इनको हमारे को समझना पड़ेगा। इस सभ्यता को समझने के लिए थोड़ी डिटेल, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं हम। इतिहास में कहां से शुरू करेंगे हम, इतिहास में शुरू करते हैं बेटा इस एरिया से। ये पाकिस्तान वाला एरिया है बेटा, ये वाला एरिया पाकिस्तान का पंजाब भी है, पाकिस्तान का पेशावर और लाहौर तक ये वाला एरिया पड़ता है सारा। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। इस एरिया में क्या हुआ बेटा, सन 1829 की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेशन। चार्ल्स मेशन जो था गवर्नर बनकर आया था, और इस गवर्नर साहब ने क्या कर दिया, खुदाई कराई यहां पे, एक निर्माण करना था, एक भूमि बनानी थी, एक जगह बनानी थी, एक बिल्डिंग बनानी थी, सरकारी बिल्डिंग बनानी थी, खुदाई कराई ना यहां पर इस एरिया के अंदर। तो इसके अंदर से कई सारी ईंटें निकलने लगी, ईंटें पे ईंटें, ईंटें पे ईंटें, ईंटें पे ईंटें। इन्हें क्या कर दिया, ईंटें निकाली, जब देखा घनी ईंटें हैं तो कहा छोड़ यार, इन्हें क्या कर दिया, इसको दबवा दिया, बंद करा दिया। समय बीत गया, सन आ गया 1849। 1849 के अंदर कौन आया, जेम्स ब्राउन। नाम बेटा याद हो जाएंगे, टेंशन ना लेना, और एक बात मेरी याद रखना, ये मन में भी ना सोचना जो पढ़ा रहा हूं कि यार ये तो पेपर में आवा ही कौन का। हम लोग पता क्या है, हम लोग अपने माइंड में यही सोच लेते हैं, यार ये तो आवे ही कौन, ये मुश्किल है तो ये तो आवे ही कौन। बेटा कुछ भी आ सकता है, देखो आसान पेपर आएगा तो आपको आता ही होगा हर कुछ, लेकिन पेपर अगर मुश्किल बनेगा ना तो सिर्फ आपको ही आना चाहिए, श्री राम के भक्तों को ही आना चाहिए, और किसी को नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो जेम्स ब्राउन 1849 के अंदर, और इस जेम्स ब्राउन ने क्या किया, इस जेम्स ब्राउन ने खुदाई कराई उसी एरिया में, और ये बंदा क्या बनाना चाहता था, जेम्स ब्राउन वहां पे पटरी बिछवाना चाहता था, क्या पटरी, रेलवे पटरी बिछवाना चाहता था। खुदाई कराई तो इन्हें स्तूप देखे, बड़े बड़े यार खंभे निकल के आ रहे हैं, तो इन्हें क्या किया, इन्हें रिकमेंड कर दिया किसके लिए, आगे कह दिया कि भैया देखो यहां की खुदाई हम बंद कर रहे हैं, और हम बंबई थाने के अंदर वहां खुदाई करेंगे, यहीं पर ही हम क्या करेंगे, सबसे पहली ट्रेन चलाएंगे। 1853 में बंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी, आपको पता ही होगा ये लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। और यही जेम्स ब्राउन ने क्या किया, रिकमेंडेशन कर दिया कि देखो ऐसे ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं हमारे को इंडिया में, हो सकता है कोई ना कोई सभ्यता ना हो, इसलिए इस बंदे ने क्या किया, ASI की स्थापना करने के आदेश दिए, और बाद में जाकर ASI की क्या होती है, स्थापना होती है 71 में, आपको मैंने बताया, ठीक है। समय बीत गया,
और फिर बेटा जी सन आया 1921, और 1921 के अंदर जो अध्यक्ष बने किसके, पुरातत्व विभाग के, उनका नाम था जॉर्ज मार्शल। बहुत बढ़िया बंदा था, बहुत ग्रेट बंदा था। इस बंदे ने क्या सोचा, इस बंदे ने सोचा कि यार ये पहले यहां खुदाइयां हुई थी, कोई ना कोई चिन्ह मिले थे, क्यों ना मैं खुदाई करा के ढूंढू, कोई चीजों को ढूंढू। ये बंदा ऐसा था ना, कोई मूर्त भी उठा लेता था ना तो बता देता था कि यार ये मूर्त इतने साल पहले की है, इतना टैलेंटेड छोरा था ये। और इन्हें जॉर्ज मार्शल ने क्या किया 1921 के अंदर, किनको कहा, दयाराम साहनी को कहा। किनको कहा, दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर एक जगह है, रावी नदी के तट एक नगर है जिसका नाम है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी ये जिला है पाकिस्तान के अंदर, कौन से प्रांत के अंदर आता है ये आता है जी पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत के अंदर मोंटगोमरी नामक स्थान पर रावी नदी के तट पर ई बंदे ने सबसे पहले कौन सा नगर खोजा मेरे बेटे, हड़प्पा। नाम तो सुना हुआ है ये अपना अप्पा। इस हड़प्पा नगर की खोज जो है सबसे पहले किसने करी थी, साहब ने करी थी, जिनका नाम क्या था, दयाराम साहनी। कब करी थी, 1921 में, पंजाब के कौन सी जगह में, मोंटगोमरी नामक स्थान पर, कौन सी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। और इस सभ्यता को उस समय सबसे पहले क्या नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता दिया गया। समझ आई बात आपको। और जब हड़प्पा की इन्होंने खुदाई कराई ना, तो हड़प्पा से क्या मिले, 12 12 कमरों का मकान मिला, 12 कमरों का मकान कहां से मिला बेटा, हड़प्पा से मिला। हड़प्पा से और क्या मिला, हड़प्पा से ही शंख का बैल बना। शंख का बैल पेपर में पूछा गया था सबसे पहले कहां से मिला, हड़प्पा से। और हड़प्पा से हमारे को एक चीज और भी मिली थी, वो क्या मिला था, सबसे पहले गेहूं और जौ। सबसे पहले गेहूं और जौ हमारे को कहां से मिला था बेटा, हड़प्पा से मिला था। इतनी बात क्लियर हो रही है, अच्छा जी। उसके बाद में क्या होता है बेटा, हड़प्पा नाम रख दिया ये। हड़प्पा जो सभ्यता थी ना, 1922 में, एक साल बाद, राखल दास बनर्जी ने पाकिस्तान में ही सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के अंदर कौन सा है एक जिला जिसका नाम है लरकाना। लरकाना जिले में एक दूसरे नगर की खोज करी बेटा, जिसका नाम क्या था, मुंह से बोलो, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदारो बोलते हैं इंग्लिश में, मोहन जोदड़ो की खोज कर दी। मोहन जोदड़ो जो है ना बेटा, इस मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहन जोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ए माउंड ऑफ डेड, ए माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। मोहन जोदड़ो जो था ये सिंधु घाटी का ज्ञात हो तो सबसे बड़ा नगर कहलाया, लेकिन अब ये सबसे बड़ा नहीं है, अब राखीगढ़ी सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि राखीगढ़ी में से अभी भी खुदाई चल रही है और बहुत बड़ा नगर निकल के आया। तो मोहन जोदड़ो जो है आपको याद रखना है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी, कौन सी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट के ऊपर इसकी खोज हुई थी लरकाना जिले के अंदर। मोहन जोदड़ो से क्या मिलता है बेटा, सबसे बड़ा अन्नागार, अन्नागार ग्रेवयार्ड, अन्नागार को क्या बोलते हैं, ग्रेन यार्ड बोलते हैं, ग्रेन यार्ड होता है जहां पर अनाज रखा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार मिला, सबसे बड़ा स्नानागार मिला, एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्त मिली, हाफ नेक्ड वुमेन, अर्धनग्न स्त्री की मूर्त कहां से मिली पेपर में पूछा गया था, तो आपने बताना है मोहन जोदड़ो से मिला, मोहन जोदड़ो से ही स्नानागार मिला, मोहन जोदड़ो से अन्नागार मिला, मोहन जोदड़ो से ही पशुपति शिव की मूर्त मिली। पशुपति शिव की मूर्त कहां से मिली थी, मोहन जोदड़ो से मिली थी। इस सभ्यता की बेटा कितनी राजधानियां थी, दो राजधानियां थी, और राजधानियां कौन कौन सी थी, एक थी हड़प्पा। हड़प्पा जो थी ना बेटा, वो हमारी कल्चरल सांस्कृतिक राजधानी थी, बिजनेस कम होता था यहां, और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो थी हमारी कमर्शियल बिजनेस राजधानी, पूछ ले कमर्शियल राजधानी पूछ ले तो वो कौन सी थी, मोहनजोदड़ो थी। और आपसे पूछ ले कि एक सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी, कल्चरल जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, हड़प्पा थी। तो इस सभ्यता की कितनी राजधानी थी, दो राजधानियां थी। अच्छा, ये सिंधु वासियों के बारे में दोबारा बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता बेटा कब से कब तक थी, 2500 से लेकर 1750 तक।
यह है सभ्यता के बारे में बताने के लिए मैंने आपको खुदाई बताई 1829 में, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने कराई और चार्ल्स मैसन ने खुदाई कराने पर मामला बंद कर दिया। 49 में जेम्स ब्राउन ने खुदाई कराई रेलवे पटरी बनाने के लिए, और 1921 के अंदर जॉर्ज मार्शल ने खुदाई कराने के आदेश दिया किसको? दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर की खोज करी, और यह हड़प्पा नगर कहां था? पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम क्या है बेटा, कौन सा प्रांत है? पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के अंदर मोंटगोमरी नामक स्थान पर सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज करी। 1922 के अंदर अब हड़प्पा से क्या क्या मिला बेटा, पता लग गया आपको, 12 कमरों का मकान, 6 ऊपर थे कमरे, 6 नीचे थे, शंख का बना हुआ बैल मिला, शंख बोलते हैं शेल, इंग्लिश में शेल बोलते हैं इसको, ठीक है, ए बुल ऑफ शेल, और गेहूं और जो इनका जो था वहीं से मिला, सबसे पहले गेहूं और जो, वैसे तो कई जगह से मिला मेरे भाई, लेकिन सबसे पहले गेहूं जो कहां से मिला, हड़प्पा से मिला, यह याद रखिएगा। 1922 में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी के नदी पर सिंध प्रांत के नलकाना जिले में नगर की खोज करी जिसका नाम क्या था, मोहन जोदड़ो, ए माउंड ऑफ डेड। मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है बेटा, मृतकों का टीला। इस सभ्यता के अंदर मैंने मोहन जोदड़ो से क्या क्या मिला वो पॉइंट याद रखने पड़ेंगे ना। मोहन जोदड़ो से अर्धनगन स्त्री की मूर्त मिली, पशुपति शिव की मूर्त मिली, ये सबसे बड़ा अनागार था, अनागार समझते हो, यहाँ अनाज रखा जाता था, और हमारे को क्या मिला यहाँ से, सबसे बड़ा स्नानागार भी हमारे को मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ। इस सभ्यता की दो राजधानियां कौन कौन सी थी बेटा, दो राजधानियां थी, एक थी हड़प्पा और दूसरी कौन सी थी, मोहन जोदड़ो। हड़प्पा और मोहन जोदड़ो इस सभ्यता की दो राजधानियां थी। आपसे पूछ ले सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी, हड़प्पा थी, और आपसे पूछ ले बिजनेस कमर्शियल राजधानी कौन सी थी, वो कौन सी थी मेरे बेटे, मोहन जोदड़ो थी। क्लियर है पॉइंट आपको, अच्छा। इस सभ्यता के लोग भोजन कौन सा करते थे, गेहूं और जौ का। वस्त्र कौन से पहनते थे, सूती और ऊनी, कॉटन क्लॉथ पहनते थे। मिठास के लिए स्वीट्स में ये किसका प्रयोग करते थे, शहद का। लेकिन बेटा बाद में हमारे को पता क्या पता लगा, 1978 में लोथल से खुदाई हुई, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है बेटा लोथल। लोथल कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। लोथल की खोज हुई, लोथल की खोज तो पहले हो गई थी, लेकिन जब लोथल की खुदाई चल रही थी ना, तो इसके अंदर से हमारे को क्या मिला, हमारे को चावल और बाजरा भी मिला, राइस और मिलेट, बाजरे को बोलते हैं मिलेट, चावल और बाजरा 1978 में मिला। इससे पहले हमारे को नहीं पता था ये लोग चावल और बाजरा भी खाते हैं, ये लोथल की खुदाई से पता लगा कि ये चावल और बाजरा भी खाते हैं। और ये चावल और बाजरा 1800 BC का था, उस समय का था, मतलब 2020 से भी 1800 साल पहले का ये चावल और बाजरा था। क्लियर है पॉइंट आपको, अच्छा जी। उसके बाद में आते हैं इस सभ्यता के अंदर, ये जो पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन थी, इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल था बेटा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसमें स्थल कितने मिले, स्थल मिले बेटा 1500, प्लेस कितने मिले 1500, लेकिन जो जाने माने नगर हैं वो कितने हैं, 123 नगर, कितने नगर है बेटा 123। अब इन नगरों को पढ़ने से पहले इस सभ्यता के चार इंपॉर्टेंट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पॉइंट बताते हैं। ये है बेटा सिंधु घाटी के सबसे उत्तर में, सिंधु घाटी के सबसे उत्तर में कौन सा शहर था, आपसे पूछ ले कौन सा पॉइंट था, तो उसका नाम है बेटा मांडा। और ये मांडा कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, कहां पड़ता है बेटा, जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी के सबसे उत्तर में कौन सा है, मांडा। अब आता है इस मांडा की खोज करी थी बेटा किसने, जगपति जोशी ने। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने याद रखना, किस किसने खोज करी थी, मांडा की खोज करी थी किसने, जगपति जोशी ने, ठीक है, अच्छा। उसके बाद में याद रखना सिंधु घाटी का ये सबसे दक्षिण वाला पॉइंट है, ये दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद ये कहां है, महाराष्ट्र में। और इस दैमाबाद की खोज किसने की थी, बीपी बोपर दिनार ने, बीपी बोपर दिनार, याद रखना बीपी बोपर दिनार, दीनार, बीपी बोपर दिनार, ठीक है। उसने क्या करी थी, खोज करी थी इसकी, बीपी बोपर दिनार है बेटा जी, समझ में आ जाएगा आपको। सिंधु घाटी के सबसे पूर्व में कौन सा पॉइंट है, आलमगीर, और आलमगीर की खोज ये बेटा यूपी में, यूपी के मेरठ में, यूपी में है। इसकी खोज करी थी किसने भैया, यज्ञदत्त शर्मा ने,
यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की। और बेटा जी पिछले पेपर में यह क्वेश्चन आया, HSSC में पूछ लिया साहब। क्या पूछा पता है? आलमगीर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? बेटा आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे था, याद रख लेना बेटा। क्या पता दोबारा भी पूछ ले। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे इसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और इस सिंधु घाटी का सबसे पश्चिम वाला जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर ये कहां है? पाकिस्तान। और इसकी खोज करी थी किसने? सबसे ओरेल स्टाइन ने। ओरेल स्टाइन ने इसकी खोज करी थी। ओरेल स्टाइन ने किसकी खोज करी थी? सुत कांगेडोर की खोज करी थी। और सुत कांगेडोर से ही आपको याद रखना है, सुत कांगेडोर के में से हमारे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिली। वो क्या मिली? घोड़े की हड्डिया। घोड़े की हड्डियां आपसे पूछ ले, बोन ऑफ हॉर्स पूछ ले, घोड़े से रिलेटेड कोई भी चीज आपको याद रखना, जगह का नाम क्या याद रखोगे? सुत कांगेडोर था। ये कहां पे है बेटा? पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु घाटी के चार पॉइंट, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुत कांगेडोर। पूछ लेगा इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है भारत का कोनी, तो कौन सा पॉइंट कोनी मेरे भाई? सुत कांगेडोर। नाम बेटा अजीब है, मैंने भेदा है, अरे एकदम से नहीं याद होंगे। केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसको पता है भाई हाँ मेरे माँ बाप कैसे फीस जमा करा रहे हैं, केवल वही स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा भैया जरूर। जिसके पास में जमीन जायदाद है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंजॉय करे, आए शक्ल देखे और चला जाए। लेकिन जिसके घर के अंदर पता है भाई हाँ मेरी सरकारी नौकरी करना मेरे को क्यों जरूरी है, वो एक एक पॉइंट को याद करने की कोशिश करेगा। सुत कांगेडोर बेटा कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है जी। और इसकी खोज करी थी किसने? ओरेल स्टाइन। अच्छा जी, और एक पॉइंट बेटा मेरे को आपको बताना था, वो मैं बीच में भूल गया। इस सभ्यता की बेटा दो बंदरगाह थी। कितनी बंदरगाह थी? दो बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्स। ये दोनों गुजरात में थी बेटा, एक यहां थी एक यहां। एक का नाम है बेटा लोथल, लोथल, और दूसरे का नाम है सुतकोटदा। सुतकोटदा बेटा लोथल की खोज जहां तक मेरे को याद है SR राव ने करी थी, SR राव ने, ठीक है। अगर इसमें मिस्टेक हुआ ना तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा, ठीक है। और जो सुतकोटदा है ना बेटा, इसकी खोज जो करी थी वो जगपति जोशी ने करी थी। सुतकोटदा की खोज करी थी जगपति जोशी ने, और लोथल की खोज हाँ SR राव ने करी थी, ठीक है। थोड़ा सा माइंड के अंदर से स्लिप हो रहा था नाम मेरे को। SR राव ने लोथल की खोज करी थी और सुतकोटदा, ये दोनों बंदरगाह थी। यहां से ही वो लोग क्या करते थे, जो सिंधुवासी लोग थे वो व्यापार किए थे, ठीक है जी। अच्छा, अब 123 नगर थे ना बेटा, उन 123 नगर में से कुछ प्रमुख नगर हैं जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है बेटा। इतनी डिटेल में बता रहा हूं, ऊपर से चीज नहीं जानी चाहिए, साथ साथ लिखना भी है आपने। स्क्रीनशॉट करना चाहो, फोटो खींचना चाहो तो आप साथ में कर सकते हैं वो, ठीक है। आगे आपको जो मैटर मिलेगा ना, जो नोट्स मिलेंगे उनके अंदर उस हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रखे हैं भाई। ये लेक्चर के अंदर पिछले पेपरों में कैसे क्वेश्चन आए वो आपको मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है और ना कहीं और जाने की जरूरत है, आपको यहाँ पर क्लासे लगानी है और रेगुलर लगानी है, ठीक है। तो 123 नगर है बेटा, उनमें से कुछ प्रमुख नगर पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला नगर आता है बेटा कालीबंगा। कालीबंगा काली चूड़ियों के नाम से पढ़ा, यहां काली चूड़िया भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। कालीबंगा कहां है बेटा? राजस्थान के अंदर गंगानगर में, राजस्थान के अंदर जगह है गंगानगर। कौन सी नदी के किनारे ये पाया गया जी? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, ठीक है जी। और आपको याद रखना है जो कालीबंगा है इसकी खोज करी थी लाल ने, काले की खोज लाल ने करी, लाल मतलब बीबी लाल, याद करने का तरीका है बेटा, बीबी लाल ने करी थी, ठीक है। तो दूसरा आता है बेटा धोला, कालीबंगा के बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा कहां है बेटा? गुजरात में। और धोलावीरा की खोज करी थी RS विष्ट ने। किसने करी थी? RS विष्ट ने। उसके बाद में आता है बेटा रोपड़। रोपड़ जो है वो कहां है? पंजाब में। इसकी खोज भी करी थी किसने? BB लाल ने। तो तीन नगर मैंने यहां बताए आपको, कालीबंगा काली चूड़ियों का नाम है याद रखिएगा। कालीबंगा बंग, बंग क्या होता है? बेंगल्स। बेंगल क्या होती है? चूड़िया होती है ना, तो वो बेंगल से ही आया है कालीबंगा। राजस्थान के अंदर है घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन था? BB लाल। धोलावीरा जो है वो कहां है? गुजरात के अंदर है। इसकी खोज करी थी RS विष्ट ने। ये अगला जो आया वो आया रोपड़।
रोपड़ जो है वो कहाँ है, पंजाब में, इसकी खोज करी थी बीबी लाल ने। अब और नगर जो है बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी दिखाई देगा आपको बिल्कुल अच्छे से। तो चौथा जो नगर आता है, तीन नगर हो गए, चौथा नगर आएगा बनावली। बनावली बेटा कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद में, हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है बेटा। और बनावली के से हमारे को क्या मिला है, याद रखना है, मिट्टी के हल। मिट्टी के जो हल है वो कहां से मिला बेटा, बनावली से मिले। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत मतलब वो खेत जहां एग्रीकल्चर हुआ हुआ था वो कहां से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नगर है ये, हरियाणा की जीके के अंदर और डिटेल में बताऊंगा इनको मैं, ठीक है। इसकी खोज जो है, बनावली की जो खोज है वो किसने करी थी, 1991 में आर एस विस्ट ने, 1974 में करी थी बेटा आर एस विस्ट ने, 1991 में खोज करी थी धोलावीरा की। याद रखना धोलावीरा सिंधु घाटी का सबसे धोला नगर है। धोला क्या होता है भाई, नया। धोला क्या होता है, नया। तो सिंधु घाटी का सबसे नया नगर कौन सा है, धोलावीरा है। 1991 के बाद कोई नया नगर खोजा नहीं गया, ये बात याद रखनी है आपको। और बनावली की खोज करी थी फतेहाबाद में किसने, खोज करी थी आर एस विष्ट ने 1974 के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद में आता है रोपड़, रोपड़ हो गया मेरे बेटा। नेक्स्ट आता है मित्ताथल। मित्ताथल कहां है बेटा, भिवानी में। मित्ताथल की खोज करी थी किसने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। मित्ताथल से हमारे को कुषाणों के सिक्के मिले हैं। अब यहां बताऊं या हरियाणा जीके में, वो हरियाणा जीके में पढ़ेंगे बेटा, इंडिया जीके और हरियाणा जीके को मिक्स नहीं करते आप, ठीक है। उसके बाद आता है सीसवाल, पंजाब यूनिवर्सिटी में। सीसवाल ये कहां है, हिसार में। सीसवाल जो है इसका जो खोज करता है वो सूरज भान को श्रेय दिया गया है। सूरज भान को सीसवाल सभ्यता, सीसवाल एक अलग से सभ्यता थी बेटा, एक अलग से ये सभ्यता ये कहलाई थी सीसवाल, ठीक है जी। और इसको हाकरा नदी के किनारे कहा जाता है, कौन सी नदी के किनारे, हाकरा। सीसवाल हाकरा नदी के किनारे था, ऊपर वाले नदियों के किनारे नहीं थे, जो नदियों के किनारे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आता है बेटा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां है, हिसार में। ये कौन सी नदी के किनारे हैं, आपको बात याद रखनी है बेटा, एक बनावली के बारे में और एक राखीगढ़ी के बारे में। जो राखीगढ़ी है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, दशवती नदी के किनारे, द्वदशवती नदी के किनारे। और जो बनावली है ना बेटा वो सरस्वती नदी के किनारे, ये आपको याद है। द्वदशती ये पुराना नाम था, पुराना नाम क्या, ये नदी विलुप्त हो चुकी है नहीं, लेकिन द्वदशवती नदी के किनारे में ये स्थित था। कौन सा, राखीगढ़ी। ये कहां है, हिसार में, हांसी के पास पड़ता है ये। और राखीगढ़ी सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, राखीगढ़ी है। और इसकी खोज का श्रेय जाता है बेटा 1997 के अंदर अमरेंद्र नाथ। अब आप कहेंगे 1997 में ये तो नया नया नगर हो गया ना, खुदाई तो इसकी बहुत पहले होगी थी, 1962 में ही होगी थी, अंग्रेजों ने कराई थी। लेकिन सिंधु घाटी की जो राखीगढ़ी थी इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, बाद में कुछ नदियां नदियां मिली ना, तो उस कारण से उन्होंने क्या कह दिया, अरे यहां खुदाई करते हैं। खुदाई करी तो और पत्थर एक चिन्ह निकलने लगे, इस कारण से अमरेंद्र नाथ ने, इसकी खुदाई आज भी चल रही है। और राखीगढ़ी से बेटा हमारे को आज से लगभग 8500 साल पहले का एक मटका मिला, 8500 बीसी का एक मटका मिला। और वो मटका ये सिद्ध करता है कि भैया वो इंसान ने बनाया था। मेरी बात समझ में आ रही है, अभी इंसान ही बनाएगा मटके को, कुत्ता बिल्ली तो बनाएगा नहीं। तो वो मटका जो है ना ये शो करता है कि यहां लोग बसते होंगे, लोग बसते होंगे तो सभ्यता होगी। तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो एनसीआरटी मेसोपोटामिया कह रही है, वो मेसोपोटामिया ना होकर कौन सी हो जाएगी, राखीगढ़ी की, हमारी हरियाणा की सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हो सकती है। ये मैगजीन के अंदर आ रहा है, अभी एनसीआरटी ने नहीं माना ये। मेरी बात समझ आ रही है, जो एनसीआरटी मानेंगे तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन करंट जीके में पूछे जाए तो जो वर्तमान की सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। राखीगढ़ी के जो चिन्ह मिले ना वहां से हमारे को पता लगा, और राखीगढ़ी से मिले चिन्हों से हमारे को ये भी पता चला कि भाई हमारे को जो कहा जाता था आर्य विदेश से आए हैं, हम विदेश से नहीं आए, हम तो इसी धरती के थे। जो आर्य आप और मैं, हम आर्य हैं और हमारा जन्म यही हुआ था, क्योंकि हमारे को वो अडिया भी मिली 8500 बीसी की,
वो हड्डियों से हमारे को ये पता लगा कि यार यहां पे बंदे थे और उन हड्डियों का मैच कराया गया, आज जो इंसान थे उनकी प्रजातियों से मैचिंग कराया गया, और मैचिंग कराने से ये फाउंडेशन से ये पता लगा, कुछ तथ्यों से ये पता लगा कि हाँ भाई आर्य जो थे ना वो कहीं और के नहीं थे, वो मूल निवासी थे भारत के। ठीक है जी। अच्छा जी, अब राखी गढ़ी के बारे में बता दिया मैंने, सवाल भी हो गया। सिंधु घाटी के लोग कौन से जानवर को पूछते थे? बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बेटा, कौन से जानवर को पूछते थे पता है ना आपको? एक सींग वाले बिना कुबड़ के सांड को, बिना कुबड़ वाला सांड जो था ना ये पूजनीय था। और इनके जो देवता थे वो कौन थे? पशुपति शिव। देवता कौन थे बेटा? पशुपति शिव। और यह सभ्यता कब समाप्त होगी? 1750 में। और इस सभ्यता के समाप्त होने के कारण तो कई थे, लेकिन प्रमुख कारण क्या था? बाढ़ और तूफान। इस सभ्यता का जो नाश हुआ वो कौन से कारण से हुआ? बाढ़ और तूफान के कारण से नाश हो गया। लेकिन कहीं तो नरसंहार हुआ, मोहनजोदड़ो में नरसंहार हुआ, हमारी बनावली के अंदर तो बाढ़ आ गई थी, सॉरी बनावली के अंदर तो सूखा पड़ गया था, और मोहनजोदड़ो के अंदर बाढ़ आ गई थी, हड़प्पा के अंदर बाढ़ आ गई थी, ऐसे कई जगह थे, अलग अलग सिचुएशंस थी। मोहनजोदड़ो के अंदर तो एक घर के अंदर कई सारी लाशें भी मिली, तो बोला नरसंहार हुआ है। तो अब हम को क्योंकि लिखा हुआ तो है नहीं, अंधकार युग है, लिखा हुआ तो था ही नहीं चीजों का। हाँ लिखा हुआ है, समझ नहीं आया। सिंधु घाटी में कुल 600 वर्ड है, 600 अक्षर मिले हैं जो लिखे हुए हैं, लेकिन हम उसको समझ पाए नहीं, और समझ नहीं पाए तो अंधकार जैसा ही है मेरे भाई। समझ में आई बात आपको? 54 वर्ड ऐसे हैं जो एक बार यूज होते हैं, अलग कई बार यूज होते हैं, तो इसलिए इस लिपि को पढ़ना जो है वो मुश्किल हुआ, इसलिए जो तथ्य है वो क्या रह गए हैं? छुपे हुए रह गए। इसलिए जो तथ्य हमने अनुमान से ज्ञात किए बस वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल ध्यान देना, 2 मिनट और कंसंट्रेट करना है बेटा, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये, बिल्कुल कंसंट्रेशन करनी है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, जिसको रियल में सिलेक्शन करना है वो तो बैठा होगा, और जिन्होंने नहीं करना होगा बेटा वो इधर उधर देख रहा होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले बात करी हमने भारत के इतिहास की, हिस्ट्री, हिस्ट्री का हिस्टोरिया शब्द आया, ग्रीक से आया बेटा जी, जिसका अर्थ होता है रिसर्चेस। ठीक है, और उसके बाद में जो इतिहास का पिता है वो कहा गया हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरी का। उसके बाद में आपने पढ़ा किसके बारे में? उसके बाद में 1817 में जेम्स मिल आया, उसने पुस्तक लिखी कौन सी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तीन भागों में बांट दिया, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश युग के अंदर। और लेकिन ASI की स्थापना 1871 में हुई। किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ASI ने, ASI ने 1871 में स्थापना हुई, और जब मेरा भारत आजाद हो गया तो ASI ने तीन भागों में बांट दिया, किस किस में? प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत में। अब हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया बेटा जी, जो 4 से 5 लेक्चर का प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, इसको ध्यान से समझना है। प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर आपको क्या समझ में आनी चाहिए बात, कि इस इतिहास को समझने के लिए हमने इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक इतिहास का वो पीरियड जो लिखा हुआ नहीं है इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, एक इतिहास का वो पीरियड जो लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आया अर्ध ऐतिहासिक, एक इतिहास का वो पीरियड है जो लिखा हुआ है वो ऐतिहासिक, जो समझ में भी आ गया। हमने बात करी प्रागैतिहासिक की, इसको अंधकार युग कहा गया। ठीक है जी, अंधकार युग और पत्थरों का युग कहा गया, पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल के चिन्ह सबसे पहले कहां से मिले? 1862 के अंदर पल्लावरम से मिले। किसने प्राप्त किए? रॉबर्ट ब्रूसेट ने प्राप्त किए। कहां? मद्रास में पड़ता है ये, रॉबर्ट मद्रास में पड़ता है पल्लावरम। ठीक है, वहां से प्राप्त किए थे। पाषाण काल को 4 भागों में बांट दिया। पूर्व पाषाण काल के अंदर मानव कैसा था? असभ्य था, नंगा घूमता था। मध्य पाषाण काल के अंदर मानव सभ्य हुआ, आग की खोज हो गई। नव पाषाण काल के अंदर मानव ने जानवर पर कंट्रोल कर लिया, सबसे पहले कुत्ते को पाला। ताम्र पाषाण काल के अंदर मानव ने धातु की खोज की, मानव की पहली धातु तांबा, और मानव का पहला हथियार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। भारत का नाम अर्ध ऐतिहासिक पीरियड में आ गया, भारत का नाम भरतमुनि के नाम पर पड़ा। जब भारत में आर्य आए तो उन्होंने क्या कह दिया? आर्यव्रत। जब भारत में यूनानी आए तो उन्होंने क्या कह दिया? इंडिया। जब भारत में अरब वासी आए तो उन्होंने क्या कह दिया? हिंदुस्तान। सभ्यता क्या होती है बेटे? रहने सहने का ढंग। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, और दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की। और मेरे भारत की दो सभ्यता कौन सी है? सिंधु और वैदिक। और हमने कौन सी पढ़ी बेटा जी? आज सिंधु घाटी सभ्यता, जो वेरी इंपॉर्टेंट थी बेटा। ये सभ्यता आ गई तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो आप। ये सभ्यता थी 2500 से लेकर 1750 तक। यह एक शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता की खोज के लिए 1829 में पहले खुदाई कराई चार्ल्स मेशन ने। 49 के अंदर खुदाई कराई किसने? 49 के अंदर खुदाई कराई थी जेम्स ब्राउन ने। उसके बाद में खुदाई होती है, और खुदाई कौन कराता है? 1921 के अंदर जॉर्ज मार्शल
जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे इन्होंने खुदाई कराई, और मार्शल ने खुदाई किससे कराई, दयाराम साहनी से। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आप कह लीजिए खोजकर्ता किसको कहेंगे आप, दयाराम साहनी को। उसने पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर की खोज करी। 22 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बेटा, मृतकों का टीला। सभ्यता की दो राजधानियां थी, जो कल्चरल राजधानी थी वो तो थी हड़प्पा, और जो कमर्शियल राजधानी थी वो मोहनजोदड़ो। दो बंदरगाह थी, लोथल और सुतकोटदा, ये दोनों गुजरात के अंदर हैं। सिंधुवासी जो थे वो भोजन करते थे गेहूं और जौ का, वस्त्र पहनते थे सूती और ऊनी, मिठास के लिए बेटा प्रयोग करते थे शहद का। मनी मन रिवाइज करते जाइए बेटा जी, शहद का। और 1978 में हमारे को चावल और बाजरा कहां से प्राप्त हुआ था, लोथल से प्राप्त हुआ था। इस सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। स्थल कितने थे इसमें, 1500। नगर कितने थे, 123। इस सभ्यता के उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर से हड्डियां मिली हमारे को घोड़े की, ठीक है। कालीबंगा कहां है, राजस्थान में। धोलावीरा गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, बनावली फतेहबाद में, मितथल भिवानी में, सीसवाल हिसार में। राखीगढ़ी सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर बेटा कौन सा है, राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी के कारण ही हमारे को पता लगा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता ही थी। ये अब करंट के अंदर हमारे को पता लगा। इस सभ्यता के लोग कौन से जानवर को पूछते थे, एक सींग वाले बिना कुबड़ के सांड को। और इनके देवता कौन थे बेटा, देवता थे पशुपति शिव। और यह सभ्यता कब समाप्त हो गई, 1750 में। और इस सभ्यता के समाप्त होने का भाई साहब प्रमुख कारण क्या था, बाढ़ और तूफान। देखो बेटा, साथ साथ चीजों को लिखना है, साथ साथ पेन हाथ में होना चाहिए। मैं रिपीट करता रहता हूं चीजों को, साथ साथ लिखते रहिए करेंगे, शॉर्ट में पॉइंटों को लिखा करें, कंसंट्रेट करके लिखा करें। ये हैबिट बनाएंगे ना आप तो जीके फटाफट हो जाएगी, फिर बच्चों की तरह बुलवा बुलवा कर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बस आप साथ लिखिए और दिमाग का यूज करके लिखना है, केवल हाथ का यूज नहीं करना होता, लिखते समय दिमाग का यूज करना है। भाई दो राजधानी, एक तो हड़प्पा बतावा था, दूसरा मोहनजोदड़ो बतावा था। दो बंदरगाह, एक लोथल थी, दूसरी सुतकोटदा थी। लोथल लिखा तो सुतकोटदा याद आ जाना चाहिए, समझ में आई। भोजन गेहूं और जौ का, वस्त्र सूती और ऊनी, मिठास के लिए शायद कालीबंगा राजस्थान में, खोजकर्ता बीबी लाल रोपड़ पंजाब के अंदर, ऐसे धोलावीरा गुजरात के अंदर। ये ऐसे आपको क्या करना है, रटना नहीं है चीजों को, समझ कर याद करना है, ठीक है दोस्तों। मेरा ख्याल है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो जहां भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, चाहे आप हांसी में देख रहे हैं, बरवाला में देख रहे हैं, तो शाम में देख रहे हैं, जहां भी आप हैं, जल्दी से जल्दी आपने एडमिशन करना है और एडमिशन लेकर रेगुलर स्टडी कर लेनी है। हरियाणा पुलिस का पेपर नजदीक है बेटा जी, और मैं आपको गारंटी देता हूं पुलिस का पेपर की डेट आएगी ना, डेट जब मर्जी आ जाए, चाहे 15 दिन में आ जाए, सॉरी हिस्ट्री, हरियाणा जी के इकोनॉमिक्स एक चीज ना छोड़ूंगा भैया, मैं मेरी तो गारंटी ले लूंगा, और श्री राम की भी गारंटी हम ले सकते हैं। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, बस कंसंट्रेशन आपने बढ़ानी है, ठीक है जी। कोऑपरेट करिएगा, जब भी आप क्लास लगाते हैं तो शांति बनाए जरूर रखा करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे, ठीक है।